हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई NS-L60 ब्लूटूथ स्पीकर, जो काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पे आता है। फ्लिपकार्ट का अपना प्रोडक्ट है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई। फ्लिपकार्ट काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट लेकर आ रहा है मार्केट में। ये मुझे पड़ा था 2399 का फ्लिपकार्ट से। तो चलिए दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। इस तरह की कुछ इसकी पैकिंग है। ये इसका बिल है, 2279 का मुझे एग्जैक्ट ये पड़ा था। इसके साथ ऑक्स केबल आती है, जिसके थ्रू आप फ़ोन से या टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। ये फ्लिपकार्ट की तरफ से थैंक यू। और ये है माइक्रो यूएसबी केबल फॉर द चार्जिंग। 2000 mAh की इसकी बैटरी है और काफ़ी अच्छा क्लेम बैटरी बैकअप है इसका, फ्लिपकार्ट ने जो क्लेम किया है 8 घंटे का। इस तरह की कुछ इसकी पैकिंग है। हमने इसे ब्लू कलर में ऑर्डर किया था। वाओ, कितना अच्छा है, देखिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय। ये कुछ इसका फ्रंट का लुक है, फ्रंट ग्रिल, और ये साइड में सब वूफर्स हैं दोनों साइड। और ये इसके कंट्रोल्स हैं, ये कनेक्टिविटी के लिए है, ये साउंड कम करने के लिए है, ये बढ़ाने के लिए, प्लस करने के लिए है वॉल्यूम, और ये प्ले एंड पॉज के लिए है। और यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दे रखे हैं। ये पावर की है, ये बैटरी इंडिकेशन की लाइट्स आती है LED। और यहाँ पे कुछ कनेक्टिविटी के लिए पोर्ट्स दे रखे हैं, जिसमें ये ऑक्स के लिए है, ये मेमोरी कार्ड के लिए है, और ये माइक्रो यूएसबी चार्जिंग के लिए है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, देखिए आप ऐसे इसको पकड़ के ले जा सकते हैं कहीं भी, काफ़ी अच्छा है देखने में। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर आपका एक कमरा 12x12 का है तो उसके लिए काफ़ी सफिशिएंट रहता है, और काफ़ी अच्छी इसकी साउंड क्वालिटी है। अभी हम आपको इसको कनेक्ट करके दिखाएंगे। यहाँ से इसकी पावर की ऑन कर लेते हैं, और अपने फ़ोन पे मैंने पहले ही ब्लूटूथ कनेक्ट करके रखा है, तो ये कनेक्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों हम आपको प्ले करके दिखाते हैं इसकी साउंड। वॉल्यूम कर लेते हैं, ये फुल वॉल्यूम है दोस्तों। काफ़ी अच्छी इसकी साउंड है दोस्तों, और जब बेस आती है तो ये खुद ब खुद मूव करता है। जैसे आपको पता होगा बेस ट्यूब है हल्की सी छोटी सी दोनों साइड, और काफ़ी अच्छी इसकी साउंड है, बहुत अच्छी। तो मेरी तरफ से ये वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है फ्लिपकार्ट की तरफ से, आप सभी को ये लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। आई थिंक बेस्ट इन द क्लास इन दिस प्राइस रेंज, ये बहुत ही अच्छा है। और मेन बात है कि JBL को कंपटीशन देता है, काफ़ी अच्छा कंपटीशन देता है। अगर आप JBL के लिए जाएंगे तो उसका एक प्रोडक्ट है फ्लिप नाम से आई थिंक आता है, तो उससे ये काफ़ी अच्छा है। इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप सभी को ये लेना चाहिए। इट्स अ वर्थ बाइंग प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच।